संजीव जीवा की जब से हत्या हुई है तब से ही कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। और ऐसे में जो सवाल बार बार उठ रहा है वो ये कि जब अक्सर संजीव जीवा को पेशी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट में ही ले जाया जाता था, तो इस बार आखिर क्यों वो बिना इसके आया, जिसके चलते कोर्ट में ही उसे अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। इन्हीं सवालों का जवाब जनता भी जानना चाह रही है। ऐसे में शुक्रवार को जब ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बार फिर से सवाल उठा, जहां ज्यादातर संजीव जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट में ही लाया जाता था, वहां क्यों इस बार उसे नहीं लाया गया, कैसे उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, जिसका जवाब सही ढंग से नहीं मिल पाया। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल की तरफ से कहा गया कि एसआईटी फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। नहीं, ये जो आपने क्वेश्चन उठाया ये हमसे पहले भी पूछा गया था। हम लोग के पास ऐसा कोई माननीय न्यायालय का कोई ऑर्डर नहीं है कि उसको बीपी जैकेट पहनाना था। फिर भी यदि पहले कभी पहन के आता था नहीं आता था, तो ये एसआईटी है, वो इन सब चीजों पे जांच कर रही है। सभी संबंधित लोग का बयान लिए जा रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से एसआईटी कवर करेगी। आप मतलब मेरे ख्याल से उनका जुडिशियल है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ज्यादातर सवालों के जवाब में यही कहते नजर आए कि अभी जांच चल रही है, वो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।